हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह सुबह मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ और देखिए एकदम सुबह सुबह अभी 6 बज रहे हैं, सुबह के 6 बज रहा है अभी। और देखिए ये तो धूप बिल्कुल भी नहीं निकला है। और अभी सभी जगह सब सोए, अभी कोई भी नहीं, सारा शॉप बंद। अभी देखिए उधर की लाइट्स भी, अभी कहीं कहीं पे ना लाइट भी अभी ऑन ही है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। चिड़ियाँ चहचहा रही है और इधर आसमान की तरफ आप लोग देख रहे होंगे ऊपर, कितना सुंदर मस्त एकदम नज़ारा लग रहा है और एकदम बादल बादल जैसा लग रहा है। और अभी धूप मतलब सूर्य भगवान अभी निकले भी नहीं थे और तभी से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट कर रही थी और बहुत मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग सुन रहे होंगे कि चिड़िया की चहचहाट और एकदम मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही थी मस्त। और अभी देखिए अभी लगभग सारे घरों में अभी लाइट्स ऑफ है। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करती हूँ, सुबह के 6 बजे से ही। और जग तो मैं गई थी बहुत पहले ही, 5 बजे ही मैं जग गई थी, लेकिन काफ़ी अंधेरा था उस वक्त, तो मैं सोची कि थोड़ा सा उजाला हो जाए तो मैं आप लोग के सामने बाहर का थोड़ा सा व्यू दिखाऊंगी कि सुबह सुबह इधर। तो देखिए आँख बिल्कुल कैसा लग रहा है, देखिए कितना चिड़िया की चहचहाहट, सूर्य भगवान निकलने ही वाले हैं। कबूतर, यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कबूतर है। और देखिए मैं पीछे मिरर में दिख रही हूँ, मिरर नहीं है एक्चुअली, एक खिड़की है तो कांच है ना, तो इसमें मैं हाथ से ही बना रही हूँ, वो भी दिख रहा है तो कांच में मैं पीछे दिख रही हूँ। तो चलिए आज सुबह सुबह ही सारा काम कर लेंगे, काम तो बहुत है क्योंकि मैं काम तो खुद ही करती हूँ, घर का जो भी काम, जिबाने अपना शरीर का जो एक्सरसाइज भी हो जाता है और फिर अभी साफ करना पड़ेगा क्योंकि हर दिन धोते हैं फिर भी पता नहीं क्यों धूल 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 इतना हो जाता है, तो आज ये सब इधर धोएंगे। चलिए फिलहाल हम जा रही हूँ, कुछ चाय तो सुबह पीती नहीं, तो गर्म पानी आज जरूर पिएंगे। और अभी हम लोग जाने वाले हैं शूट पर, तो 10 10 से 15 के बीच अपना शूटिंग का डेट रखा है, तो हो सकता है कि हम लोग को निकलना पड़ सकता है, तो इसलिए पहले से प्रैक्टिस कर रही हूँ कि जल्दी जल्दी ताकि सेट पे जगने में कोई प्रॉब्लम नहीं। हालांकि शूट पे जाते हैं तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, जो कॉल टाइम रहता है उतना टाइम पर जग ही जाते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है, लेकिन फिर भी थोड़ा पहले से आदत डालनी पड़ती है क्योंकि जब फ्री रहते हैं ना तो आराम से 11 बजे 10 बजे जब तक नींद पूरी ना हो तब तक तो सोते ही हैं, क्योंकि रात में क्या है कि लेट नाइट वीडियो एडिट करते हैं, जगते हैं, 2-3 बज जाता है सोने में, जब लोग जगते हैं तब हम लोग सोते हैं, इस कारण सुबह लेट तक मतलब सोना पड़ जाता है हम लोग को, नींद खुलती नहीं। तो चलिए फिलहाल मैं सुबह सुबह का जो भी थोड़ा बहुत काम है, थोड़ा बहुत क्या, सुबह तो लगभग सारा काम हो ही जाता है, झाड़ू पोछा जो भी साफ़ सफाई सब करना ही पड़ता है, नहाना धोना। अभी तो मैं बस सो के नींद ही नहीं आ रही थी, मैं बोली आज चलो सुबह सुबह ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ। चलिए अब मैं थोड़ा सा कुछ काम कर लेती हूँ फिर मैं कोशिश करेंगे, क्योंकि कैमरा के साथ में काम करना भी बहुत लेट हो जाता है, इसलिए बहुत सारा चीज़ मैं नहीं दिखा पाती और मैं दिखा रही हूँ। सूर्य भगवान निकलने वाले हैं, देखिए आज मैं पहली बार उगता हुआ सूरज ऐसा लग रहा है कि मैं देखूँगी, इधर साइड तो एकदम अलग ही कलर है लेकिन इधर का जो नज़ारा है ना बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। चिड़िया कबूतर सब, तो चलिए मैं जो भी काम है अभी कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों से।
निकलते हैं थोड़ी। तो फिलहाल अभी नहा धो के फ्रेश होके नाश्ता वगैरह हो गया है और अभी हम बना रहे हैं खाना दोपहर का। सब्जी चावल दाल बनाना है अभी, क्योंकि दाल तो मेरा फेवरेट है, दाल के बिना मैं खा ही नहीं पाती हूँ। सब्जी लगभग पूछा गया है, आलू परवल की सब्जी है जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है, परवल मुझे बहुत पसंद है। हरी सब्जी मैं लगभग सब खाती हूँ, मुझे घरेलू खाना घर का खाना वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, बाहर का खाना बहुत कम पसंद करती हूँ। लाइट अपोजिट इधर साइड का रहता है ना, तो लेकिन फिर मेरा ये हाथ जो है ना उल्टा पड़ जाएगा, तो मैं नहीं कर पाऊँगा, इसलिए थोड़ा सा हो सकता है लाइट प्रॉपर नहीं जा रहा हो, तो मैं उल्टे हाथ से कर दूँगी। गिर के संभल सकता हूँ मैं, तुम जो पकड़े हाथ मेरा दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मांगा है तुम्हें दुनिया खुद ही सनम कीजिए। देखिए ये तो होना ही है, कितना भी साफ करो ये हो ही जाता है, जो कि कोई बात नहीं, मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि मुझे घर का काम करना अच्छा लगता है। बाहर के काम के साथ साथ घर का भी काम करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि सब कुछ आना चाहिए। अगर कोई मुंबई विरार से सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर क्या, लगभग हमारे फिल्म इंडस्ट्री के लोग ही हैं हमारे साथ यूट्यूब पर, तो वो एक हमारा परिवार ही है, तो एक दो लोग आने के लिए बोले हैं, तो ज़रूर साथ में हम लोग बैठेंगे, खाना खाएंगे, चाय पियेंगे। तो जो लोग भी आएंगे उनका मोस्ट वेलकम है, बहुत 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 स्वागत है, क्योंकि अच्छा लगता है जब कोई घर पे आता है, मिलता है जुलता है, और ख़ास करके अपने जान पहचान के लोग, तो वो बहुत अच्छा लगता है। फिलहाल मैं देखिए यहाँ पर क्या करूँगी, तो चढ़ाऊँ आलू प्याज का छिलका उठा लूँ। बहुत से लोगों को ना ये करने में कैमरे के सामने शर्म आती होगी कि अरे मैं एक्ट्रेस हूँ ये सब काम करूँगी, लेकिन मुझे नहीं आता, इसलिए कि घर का काम है, अपना काम है, करना चाहिए। पर कौन खाना नहीं खाता, कौन नहीं बनाता, खाना बनाना भी एक कला है, सबको खाना बनाने नहीं आता। मेरे दिल के चैन चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। खाना काम करते करते बस ऐसे ही गुनगुनाती रहती। तो बताइए आप लोग कैसे हैं, और इधर चावल देखिए होने ही वाला है। मैं चावल बताई थी आपको कि कुकर में भी बनाती हूँ, इसमें भी बनाती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगता है। तो आज तो वैसे मैं बहुत सुबह जग गई थी 6 बजे, लेकिन बताऊँ 6 बजे जगे, ब्लॉग स्टार्ट किया, आप देखेंगे बहुत अच्छा लग रहा है उसमें। मैं सुबह सुबह जब जगी ना, तो सच में बहुत अच्छा लगा, देखे बाहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, खास करके आसमान पर चिड़िया की चहचहाहट बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो चिड़िया की जो आवाज़ वो तो इतना रिलैक्स दे रहा था ना, क्या बताऊँ, इसके लिए मैं वीडियो उसी टाइम में स्टार्ट ब्लॉग करती थी। तो फिलहाल अभी मैं फिर सुबह उठी, उठने के बाद देखे कि कुछ लोग सब सो रहे हैं, तो उसी टाइम मैं काम स्टार्ट कर देती, लेकिन फिर नहीं किए, वापस से मैं सोची थोड़ी देर सो जाती हूँ फिर जगूँगी। अब थोड़ी देर सोने का मतलब कि 10 बज गया, और इतना टाइम होने के बाद तो फिर वही लेट ही हो गई थी। तो फिर सारा काम जो भी था और उसके बाद वो सब मैं नहीं दिखाई, कभी दिखाऊंगी, क्योंकि कैमरा सेट करना, काम करना और बस भी सेल्फी स्टिक कभी नहीं आएगा, तो हाथ से फोन को हैंडल करना और रिंग लाइट तो ऐसे मैं कर सकती हूँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाता है और वैसे भी लेट हो गई थी, इसके लिए मैं नहीं कर पाई। तो चलिए आज का बस ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, बहुत लंबा नहीं करेंगे। आज सुबह का एकदम मॉर्निंग जो सुबह का सवेरा था वहाँ से मैं स्टार्ट की हूँ, तो अच्छा लगा हो तो वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक करिएगा, और थोड़ी देर में बस खाना बन जाता है, फिर मिलते हैं आप लोग। ए हवा कहती है क्या, जरा सुन, ए हवा जरा कहती है क्या। मुझे पुराने सॉन्ग्स ना बहुत पसंद है, और लगभग मैं वही सब गाना, ऐसे तो मैं गाना गाती नहीं हूँ, लेकिन कभी गुनगुना भी दिए तो पुराने सॉन्ग्स ही ज़्यादा मेरे जुगा पे आते हैं, क्योंकि एक वो सब में एक माइंड रिलैक्स है।
अभी तो आसमान जो है बाप रे बहुत बहुत तेज धूप है। गर्मी उतना नहीं है बहुत, लेकिन हाँ धूप तो है बाहर, बाहर धूप के कारण बाहर लग रही होगी, लेकिन रूम के अंदर उतना नहीं होगा। खाता हूँ, बन गया, दे रहा हूँ। कंघे उधर ही है, सुन लो मेरी जानम। बाथरूम में कहती है क्या, सुन लो मैं। अरे बाप रे, तो चलिए खाना पीना तो बन गया है और अब सिर्फ है खाना। अरे बाप, आइए आप सब लोग भी कभी समय निकाल के और साथ में खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। जब एक साथ लोग जब खाना खाते हैं ना, तो वो खाना खाने का जो मज़ा है ना, वो बहुत ही अलग होता है। चाहे खाना कैसा भी बना, टेस्टी हो या ना हो, लेकिन फिर भी उस खाने की बात ही अलग हो जाती है जब साथ में मिल सकते। तो फिलहाल मैं अच्छा, ये टमाटर की मीठी चटनी किनको पसंद है, बहुत मेरा तो बहुत फेवरेट है, बहुत खाते हैं। सच में परवल की सब्जी और चावल, इसके साथ तो दाल ना भी हो तो चलता है, लेकिन फिर दाल की आदत है। तो चलिए उसको खाना खा लेती हूँ, उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अब इसको मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिखाऊंगी तो लंबा हो जाएगा। तो अब दूसरे वीडियो के साथ मिलती हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को थोड़ा पूरा देखा करिए, ताकि हमें एक सपोर्ट मिले। और आपका एक लाइक और कॉमेंट मेरे लिए बहुत हिम्मत देता है, तो प्लीज़ आप लोग वो ज़रूर दीजिएगा मुझे। और चैनल को सब्सक्राइब भी तभी करिएगा जब आप मेरी वीडियो को देखिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अब नेक्स्ट वीडियो के साथ, और करते हैं फिर ढेर सारी बातें अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।